अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेबएक्स पे स्टोर सेटअप करने का तरीका और वेबएक्स के एडमिन एरिया का एक ओवरव्यू दूंगा। webx.pk आप अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद स्टार्ट फ्री ट्रायल आ रहा है टॉप राइट पे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक साइनअप का फॉर्म ओपन होगा, ये फॉर्म फिल करना है आपने। अच्छा, जो हम स्टोर बना रहे हैं उसका नाम है, स्टोर नेम क्या है, सब खरीद लो पाकिस्तान, ठीक है जी। इंडस्ट्री में आप कोई क्लोथिंग की इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लें। डोमेन सब खरीद लो पाकिस्तान ऑटो आ जाएगा। जो स्टोर नेम आप रखेंगे वो डोमेन नेम आ जाएगा। ये सब डोमेन है, सब डोमेन आप लेटर स्टेज पे अपने डोमेन के साथ इसको मैप भी करवा सकते हैं। फुल नेम में आप लिखते हैं सब खरीद लो इन्फो एट सब खरीद लो पाकिस्तान .pk। पासवर्ड हमने अपना जो रखना है, हमने अपना मोबाइल नंबर रख लिया। कंट्री आप पाकिस्तान से होंगे, पाकिस्तान सेलेक्ट करें, और जो सिटी है आपका पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट मेस्टर पे क्लिक कर दें। सॉरी, तो ये सिटी नहीं आया, सिटी आपने ऐड करना है कराची या लाहौर पिंडी, जहाँ से भी आपने। उसके बाद आप क्लिक करेंगे, अभी आपका स्टोर सेटअप हो रहा है रियल टाइम में। स्टोर सेटअप होने के बाद आपको दो विंडोज बताएगा, आप व्यू स्टोर और गो टू सुपर एड स्टोर एडमिन, इस पर क्लिक करेंगे। दोनों विंडोज आप अलग अलग ओपन कर लें। अच्छा जी, आपको एक सिर्फ आइडिया के लिए ना हम वेबसाइट का फ्रंट भी दिखा देते हैं। अच्छा, अब इस वीडियो में ना हम आपको एडमिन एरिया का एक ओवरव्यू दे रहे हैं और बाकी जो डिटेल्स होंगी वो अदर वीडियोस में आपसे शेयर करेंगे। ये आपका पूरा डैशबोर्ड है, यहाँ पे राइट में अकाउंट समरी आ रहा है। अकाउंट समरी के अंदर आपका स्टोर नेम, पैकेज स्टेटस क्या, ट्रायल एक्टिव है, सब्सक्रिप्शन कब तक की है, डोमेन नेम क्या है, वो कौन सा पैकेज आपने लिया हुआ है वो बताएगा। उसके बाद ऑर्डर स्टेटस आ रहा है कि लास्ट 30 डेज़ के ऑर्डर्स क्या थे, टुडे ऑर्डर क्या है, और नीचे उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लास्ट 30 डेज, और ये स्टोर ट्रैफिक की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। प्रोडक्ट्स का जो सेक्शन है मेन्यू, उसके अंदर ऐड प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, ब्रांड, एडॉन्स, कनेक्शंस, यहाँ से मैनेज हो सकती है। ऑर्डर्स का जो सेक्शन है उसके अंदर जो ऑर्डर्स कस्टमर प्लेस करेंगे वो, और अबैंडन्ड कार्ट। अबैंडन कार्ट से मुराद ये है कि जो ऑर्डर कस्टमर आके ऐड टू कार्ट करके चेकआउट नहीं करेगा, वो अबैंडन कार्ट में गिरेगा। कस्टमर्स के सेक्शन में आपको जो कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करेगा उसका रिकॉर्ड आ रहा होगा। न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन के लिए जो कस्टमर फिल करेंगे फॉर्म वो आपको यहाँ मिल रहा होगा। मैसेजेस के अंदर कस्टमर मैसेजेस और प्रोडक्ट रिव्यूज़ आने होंगे। एनालिटिक्स के अंदर लास्ट 30 डेज़ की एनालिटिक्स रिपोर्ट आती है कि एडवांस पैकेजेस में अवेलेबल है। कंटेंट का जो सेक्शन है उसके अंदर होम पेज का टेक्स्ट, अबाउट अस, FAQs, पॉलिसीज, न्यूज़ अनाउंसमेंट, ये मैनेज कर सकते हैं आप। कस्टम पेजेस है, मेन्यू लिंक्स है और फुटर सेटिंग्स है। डिज़ाइन के अंदर आप लोगो और फेविकॉन थीम्स, लेआउट, टेम्पलेट्स, मेन बैनर्स और बैकग्राउंड म्यूजिक मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर एक पूरी दुनिया है जिसके अंदर जनरल सेटिंग्स है, पेमेंट मेथड्स है, शिपिंग है, डिलीवरी है, कुरियर है, एडवांस सेटिंग्स है, और फर्दर अगर आप कोई ट्रैकिंग टूल्स यूज़ करना चाह रहे हैं जैसे कि गूगल एनालिटिक्स है, फेसबुक पिक्सेल है, एड्रोल है, लाइव चैट सेटअप है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको
एक एक सेशन कवर कराऊंगा, जैसे कि कैटेगरीज, ब्रांड्स, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम कवर करेंगे। राइट के अंदर आपका जो तो लोगो आ रहा होगा उस पर आप क्लिक करोगे तो उसके नीचे आपका मैनेज अकाउंट, प्राइसिंग प्लान्स, बिलिंग, यूज़र मैनेजमेंट, चेंज पासवर्ड, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, थैंक यू।